हे बच्चा पार्टी, हाउ आर यू ऑल। इस वीडियो के अंदर हम लोग सेवन्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर साइंस का डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चा। और मैं आप लोगों को चैप्टर की एक डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दूंगी, सो दैट आपको चैप्टर के बारे में सारी चीज़ें पता लग जाएं, ठीक है। शायद हो सकता है एक पार्ट में ही ये जो वीडियो है कंप्लीट ना हो पाए, क्योंकि चैप्टर इज सो मच लेंथी, तो इसलिए शायद दो या तीन पार्ट्स बने, ठीक है। तो जितना हो सकता है ट्राई करूँगी कि मेन मेन टॉपिक्स आपको करवा पाऊँ, ठीक है बच्चा। सबसे पहली चीज़ तो आपको ध्यान रखना है कि मैं इसके अंदर आप लोगों को मेन टॉपिक्स ही करवाने वाली हूँ, सारा का सारा चैप्टर रीडिंग नहीं करेंगे हम, जस्ट मेन टॉपिक्स, बाकी आप खुद रीड करेंगे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। सबसे बेसिक जो है चैप्टर किसके बारे में है, चैप्टर आप लोगों का है न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक है। न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, क्योंकि चैप्टर का आप नाम देख सकते हैं, यहाँ से आपको नज़र आ रहा है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है। न्यूट्रिशन का मतलब यहाँ पर होता है जो हम खाना खा रहे हैं, जो जिससे हमारी बॉडी काम कर रही है, वैसे ही पौधों को, पेड़ पौधों को, जानवरों को, सबको ज़रूरत होती है ना। तो किस तरीके से कौन सी चीज़ें जो हैं वो न्यूट्रिशन लेती हैं, ठीक है ना। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल दो टाइप्स के अंदर चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहली चीज़, इन क्लास सिक्स यू लर्न दैट फूड इज़ असेंशियल फॉर अवर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना, क्योंकि खाना जो है ज़रूरी है। फैट, विटामिन एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट फूड, दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। हमारी बॉडी के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, आप लोगों ने जो सिक्स क्लास में भी पढ़ा होगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वो सारी चीज़ें जो हम अपने बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए लेते हैं फूड के रूप में, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट वगैरह जो है वो इकट्ठा हमारी बॉडी में नहीं चला जाता, वो हम एक फूड की उससे लेते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा एग में प्रोटीन होता है, तो हम प्रोटीन नहीं खाते, हम एग खाते हैं, के अंदर जो प्रोटीन है वो हमारी बॉडी में जाता है, और इन सारी चीज़ों को बोला जाता है न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन बनता है कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ओके। नेक्स्ट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड, प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। यहाँ पर सिंपल चीज़ ये बोल रहे हैं कि प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना सिंथेसाइज करके जो है फूड को अपने आप बनाते हैं, बट एनिमल जो है क्या करता है, दूसरी चीज़ों पर डिपेंड होता है। ह्यूमन बींग जो है वो क्या करता है, दूसरी चीज़ों पर डिपेंड होता है अपने खाने के लिए, ठीक है। दे गेट इट फ्रॉम, अब हम अपना खाना कहाँ से लेते हैं, एनिमल से लेते हैं, है ना। और एग खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, तो हम प्लांट से और एनिमल से अपना खाना लेते हैं। दिस ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, ठीक है बच्चा। बहुत आराम से हम चैप्टर को करेंगे, बट बहुत प्यारे तरीके से करेंगे, सो दैट आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, ओके। चलो, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन आ जाता है, मतलब न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या है, जो हम अपनी बॉडी में ले रहे हैं, जो हमें एनर्जी मिल रही है, इट्स कॉल्ड न्यूट्रिशन, ठीक है। और जो एनर्जी के सोर्सेज हैं, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, विटामिन, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो न्यूट्रिएंट्स हैं, ओके बच्चा, ठीक है। चलो, प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर themselves बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। जो आपने सुना होगा फोटोसिंथेसिस नाम की एक प्रोसेस होती है, जिससे पौधे जो हैं, जो प्लांट्स जो हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से, सनलाइट की, वाटर की, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स की। द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स, जो रॉ मटेरियल जिनसे वो खाना बनाते हैं वो उनके सराउंडिंग्स में रहता है, ठीक है बच्चा। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज़, अब न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो किस लिए हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी को बिल्डअप होने में, ग्रो होने में, डैमेज जो पार्ट्स हैं उनको रिपेयर करने में, एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस, जो हमारी लाइफ चलती है, बुढ़ापे तक हमें चलना है ना, तो वो लाइफ सर्कल चलने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, किनकी, न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है। अब न्यूट्रिशन क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाई एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। न्यूट्रिशन का मतलब जब एक फूड जो है ऑर्गेनिज्म ले रहा है, दैट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन, ठीक है। और उसके बाद यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, और उसकी जब यूटिलाइजेशन बॉडी के द्वारा हो जाती है, जैसे हम एग खाया, एग के अंदर प्रोटीन है, प्रोटीन हमारी बॉडी में गया, एग खाने के बाद बॉडी के अंदर जो प्रोटीन गया वो अलग अलग पार्ट जो है उसको यूटिलाइज कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, जिसको न्यूट्रिशन कहा जाता है, सो दैट हमारी बॉडी में एनर्जी आ जाती है ना। अब हमारे नेल्स हैं, बोलते हैं ना, जो कैल्शियम होता है वो हमारी बोन स्ट्रॉन्ग करता है। अब हम दूध पीते हैं, दूध में कैल्शियम होता है, बट दूध जिस सीधा जाकर हमारी बोन्स में नहीं चला जाता, दूध पीते हैं, दूध के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि क्या होता है, कैल्शियम होता है, कैल्शियम जो है हमारे बॉडी पार्ट्स, हमारी बोन्स, हमारे नेल्स, इनमें जाता है, तब जाके हमारे बोन्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग बन जाती हैं, नेल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, ठीक है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, न्यूट्रिशन के कुछ मोड्स होते हैं बच्चा, ठीक है। इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड, अपना खाना जो है अपने आप बनाते हैं फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस, सिंपल सब्सटेंसेस की हेल्प से। तो सिंपल सी चीज़ है, ऑटो, ऑटो का मतलब सेल्फ, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ऑटो का मतलब सेल्फ, और ट्रोफोस का मतलब नरिशमेंट, नरिशमेंट मतलब अपना खाना जब हम खुद बना रहे हैं, खुद को नरिश कर रहे हैं, ठीक है। तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म अपना खाना मेक फूड देमसेल्फ, मतलब अपने आप बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक।
उसके बाद दियर फोर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ, क्योंकि ऑटोट्रॉफ वाले कौन होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। तो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं किस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, है ना। और फोटोसिंथेसिस की हेल्प किसकी हेल्प, क्या क्या चीज़ें उनमें ज़रूरी होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, मिनरल्स, ठीक है। देन उसके बाद में एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर बाय प्लांट्स। तो एनिमल्स या फिर जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो क्या करते हैं, अपना खाना किससे लेते हैं, दूसरी चीज़ों से। जैसे हम लोग जो है डिपेंड रहते हैं प्लांट्स पर, एनिमल्स पर, वैसे एनिमल्स किससे लेते हैं, प्लांट्स से। तो वो क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफ, ठीक है। हेटरोस मीन्स होता है अदर्स, तो हेटरोट्रॉफ जो दूसरे पर डिपेंड होते हैं खाने के लिए, ऑटोट्रॉफ जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड, वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट और ओनली इन अ सर्टेन पार्ट, हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग्स, हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। अब यहाँ पर ये सिंपल क्वेश्चन करा कि जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना कहाँ बनाते हैं, क्या उसका एक पर्टिकुलर पार्ट होता है जो अपना प्लांट फूड अपना खुद बना रहे हैं, या फिर सारे पार्ट्स में खाना बनता है। तो फूड फैक्ट्री जो है वो किसे कहा जाता है, अब यहाँ पर आ जाता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। तो लीव को जो है वो क्या कहा जाता है, फूड फैक्ट्रीज, मतलब लीव में जो है खाना बनता है, ठीक है, प्लांट्स का। ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीव, वाटर एंड मिनरल प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, मतलब पानी और मिनरल्स जो प्रेजेंट होते हैं ना सॉइल में, वो एब्जॉर्ब होते हैं किनके द्वारा, रूट्स के द्वारा। रूट्स क्या होती हैं, जड़, और वो ट्रांसपोर्ट होकर कहाँ पहुँच जाते हैं, लीव्स में, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव। अब जो वो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो किनके थ्रू होता है, जो टाइनी पोर्स होते हैं लीव के ऊपर, छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है। और दीज पोर्स आर सराउंडिंग बाई गार्ड सेल्स, सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। इन पोर्स को क्या कहा जाता है, स्टोमेटा, ठीक है। टाइनी पोर्स ऑन द लीव इज कॉल्ड स्टोमेटा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सेल्स के बारे में बता रखा है, आप तो देख सकते हो, इसको पढ़ सकते हो। यू हैव सीन द बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स, सिमिलरली बिल्डिंग जो है वो किस तरीके की बनती है, ब्रिक की, है ना। सिमिलरली द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स ऑफ कॉल्ड सेल्स। जो हमारी बॉडी है ना बच्चों, वो किस चीज़ की बनती है, सेल्स की। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप, सेल्स जो हैं वो किससे बनते हैं, माइक्रोस्कोप से, ठीक है। कि मतलब किससे देखे जा सकते हैं, माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम सेल्स को देख सकते हैं। सेल्स छोटे छोटे होते हैं और उन्हीं से हमारी बॉडी क्रिएट होती है। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ओनली वन सेल, द सेल इज enclosed by a tiny thin outer boundary called the cell membrane। सेल जो है वो कंप्लीट जो है वो किससे मिलके बना होता है, उसके बाहर की जो एक बॉडी होती है, ये आप देख सकते हो ना बाहर का स्ट्रक्चर, ये जो बाहर का स्ट्रक्चर है बच्चा, इसको बोल जाता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये बाहर की बाउंड्री होती है जो उसको सेफ रखती है। मोस्ट सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। इसके अंदर जो है अंदर स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, जैसे ये कुछ करके है, और इसके अंदर इस तरीके की जो चीज़ है इसको जो है बोला जाता है न्यूक्लियस, ठीक है। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई अ जेली लाइक सब्सटांस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। इसके अंदर जो है वो जेली लाइक एक सब्सटांस होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है बच्चा। आई होप इतना समझ आया, 2 pages हम कवर कर लेंगे इस वीडियो के अंदर। आगे क्या बोल रहे हैं, वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू द रूट, द स्टेम, द ब्रांचेज एंड द लीव्स। और जो वाटर और मिनरल है ना वो ट्रांसपोर्ट होता है लीव्स में जब जाता है, किनके द्वारा, बाय द वेसल्स। वेसल्स क्या होती हैं, जो उनके अंदर पौधों में छोटी छोटी पतली पतली लकीरें, विच रन्स लाइक पाइप, जो एक पाइप का काम करती हैं रूट से लेकर कहाँ तक, लीव तक का, क्योंकि खाना पहुँचाना है, खाना वहीं पर बनेगा, है ना। तो एब्जॉर्प्शन जो हो रही है सॉइल से वो ले रहे हैं, वो लीव तक पहुँचाया जाता है। एंड दे फॉर्म अ कॉन्टिन्यू पाथ और अ मिस पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीव, दे आर कॉल्ड वेसल्स। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन प्लांट्स इन चैप्टर 7। इसके अंदर हम और ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे चैप्टर 7 के अंदर, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, खाना कहाँ बनता है, फूड फैक्ट्री किसे कहा जाता है, लीव को, ठीक है। लीव के अंदर जो है खाना बनाया जाता है उसको फूड फैक्ट्री कहा जाता है। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। जो लीव होती है आपने देखा होगा ना बच्चों, ग्रीन कलर की बनती है, तो उस लीव को जो है क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल, ठीक है। इट हेल्प्स लीव टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द, क्या बोल रहे हैं, इट हेल्प्स लीव टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये क्या करता है, लीव को एनर्जी देता है, ताकि वो एनर्जी सनलाइट की प्रोवाइड करता है, सो दैट वो क्या कर सके, ये यूज़ कर सके सिंथेसाइज करने में, मतलब फूड बनाने में, किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से एंड वाटर से। सिंस द सिंथेसाइज ऑफ फूड ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये आप लोगों ने 4th से पढ़ते आ रहे हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होती है, दिस इज अ प्रोसेस इन विच फूड मेक बाय द प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर, मिनरल्स, ठीक है।
फोटो का मीन्स यहाँ पर आप सिंपल तरीके से याद भी कर सकते हैं, फोटो का मीन्स होता है लाइट, ठीक है। सिंथेसाइज का मतलब होता है कंबाइन करना, जोड़ के बनाना। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीफ एंड स्टोर्ड इन द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड, ठीक है। सोलर एनर्जी जो है कैप्चर की जाती है, सनलाइट को कैप्चर किया जाता है लीफ के द्वारा एंड स्टोर किया जाता है इन द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड, ठीक है। वो स्टोर कर लेते हैं उसको और वो क्या बन जाता है, खाना बन जाता है किनका, प्लांट्स का। दस सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसीलिए बोलते हैं कि सन जो है वो एक अल्टीमेट सोर्स है किसका, एनर्जी का। आगे बोल रहे हैं, कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं लाइफ को फोटोसिंथेसिस के बिना। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड बी नो नॉट बी एनी फूड। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग थिंग्स ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज असेंशियल फॉर द सर्वाइवल of all organisms is produced during photosynthesis. In the absence of photosynthesis, life would be impossible on the earth. क्योंकि plants ही नहीं रहेंगे, हवा नहीं रहेगी, oxygen नहीं रहेंगे, food नहीं मिलेगा, vegetable नहीं मिलेंगे, fruits नहीं मिलेंगे, अनाज नहीं मिलेगा। तो सारी चीज़ें जो हैं photosynthesis के ऊपर ही depend रहती हैं, ठीक है बच्चा। आगे बोल रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन। ये इक्वेशन दी हुई है, इसको देख के आपको घबराना नहीं है, धीरे धीरे ये चीज़ें पढ़ोगे। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है ना, ये जो है आगे सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से जो है आगे क्या बन जाता है, ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस दर्शा रहा है। फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो मैंने आप लोगों को बताया ना, ग्रीन कलर पार्ट होता है जो कंटेन सेल्स ऑफ लीव्स, उसमें जो है वो लीव्स के सेल्स होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की देखो प्रेजेंस के अंदर एंड वाटर सिंथेसाइज कार्बन कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। उसको जो है कार्बोहाइड्रेट दे रही है, कार्बन डाइऑक्साइड उसको मिल रही है, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो छोड़ रहे हैं, पता है ना आप लोगों को ऑक्सीजन छोड़ते हैं प्लांट्स, इसीलिए बोलते हैं प्लांट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस। और वाटर एंड मिनरल्स जो है वो यहाँ से जड़ अब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है। आगे बोल रहे हैं, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन इज रिलीज, इस प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन जो है वो रिलीज की जाती है। प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव इंडिकेट द ऑक्यरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च जो है वो भी अवेलेबल रहता है लीव के अंदर, वो दर्शाता है किसको, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च जो है वो कार्बोहाइड्रेट का ही काम करता है, ठीक है बच्चा। ये देख सकते हो आप लोग, क्लोरोफिल है, गार्ड सेल्स हैं वो जो उसको गार्ड करते हैं, और स्टोमेटा जो टाइनी पोर्स होते हैं लीव के ऊपर, ठीक है। ये आपके कुछ सेक्शन आ जाते हैं लीव के अंदर, ठीक है। ये लीफ है, ओके, और इसके अंदर जो ये यहाँ पर है ना, दिस इज स्टोमेटा। स्टोमेटा के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, देखिए स्टोमेटा ओपनिंग होती है, गार्ड सेल जो उसको गार्ड करते हैं बाहर, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। अब उसके बाद ये खत्म हो जाता है पेज, और उसके बाद हम नेक्स्ट जो है मोटा मोटा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद आगे की चीज़ें जो हैं हम सिंथेसाइज ऑफ प्लांट फूड अदर एंड देन कार्बोहाइड्रेट और अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ये हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आई होप चैप्टर जितना हमने करा उतना समझ आया होगा। एक बार रिकैप करना, कोशिश करना कि इसको एक बार अच्छे से आप लोग देख पाओ, और कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आप कॉमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और मज़ा आया पढ़ने में, अगर सब समझ आया तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ओके बच्चा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट पार्ट।